नमस्कार। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कल 8 फरवरी को शाम 6 बजे मतदान खत्म हुआ और 6:30 बजे हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने अपने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो जारी कर दिए। इन न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल में जो आम आदमी पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है वो सौंप दी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख दिया। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नेता ईवीएम का रोना रोना है वो शुरू हो चुके हैं। चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता है वो पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ईवीएम क्या रोना रोने की स्टार्टिंग है वो कर दी है। हालांकि इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई हुई है उस तरह से निश्चित तौर पर ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है वो नहीं बन रही है। और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस 3 से 5 सीटें हैं वो आसानी के साथ दिल्ली में जीत लेगी और इसलिए आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से दूर होती है और 3-4 सीटों के बीच में यानी 5 सीटों के लगभग उसको जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए। तो क्यों ना अभी से ईवीएम का रोना रोना शुरू कर दिया जाए ताकि कांग्रेस उसका साथ देगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के जो रणनीति बनाकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम का रोना रोना अभी से शुरू कर दिया है। अभी तो नतीजे आने में भी 2 दिन बाकी हैं। नतीजों से पहले ही ईवीएम का रोना रोना आम आदमी पार्टी सहित अरविंद केजरीवाल के नेताओं ने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इन एग्जिट पोल के अंदर सत्ता से दूर रखा गया है। आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी गई है, उसके बावजूद भी इस तरह का ईवीएम का रोना है वो आम आदमी पार्टी के नेता क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ईवीएम का रोना रोना मजबूरी है उनकी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उनके विधायकों को अच्छी तरह से ज्ञान है, जिस तरह से उन्होंने खुद के भी एग्जिट पोल हैं वो करवाए होंगे, सर्वे करवाई होगी पार्टी लेवल पर, उनमें स्पष्ट हो गया होगा कि आम आदमी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना रही है। तभी तो इस तरह का रोना शुरू कर दिया गया ताकि कांग्रेस कल को यानी ईवीएम का रोना रोएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उनको समर्थन दे दे और आम आदमी पार्टी अगर बहुमत के आसपास हुई तो हो सकता है कि वो सरकार भी बना ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत की सत्ता से दूर रखा गया है। हालांकि बीजेपी के दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि अमित शाह खुद, जो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। जिस तरह से सभी विधानसभाओं में उन्होंने टाइम दिया, सभी विधानसभाओं में जो बीजेपी के सभी मंत्री नेता पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो सब मतलब गली मोहल्ले हर नुक्कड़ सभा में शामिल हुए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भी जनसभाएं की, जिस तरह से जोर शोर के साथ निश्चित तौर पर बीजेपी ने इस चुनाव की तैयारी की और खुद जो अमित शाह है वो डोर टू डोर घूम कर अपने जो संकल्प पत्र था बीजेपी का उसके पर्चे हैं वो डोर टू डोर घूम करके बांट रहे थे। इससे कहीं ना कहीं निश्चित हो रहा है कि ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी ने अपनी किसी अन्य विधानसभा, कोई राज्य की विधानसभा सीट पर जितना जोर नहीं लगाया होगा, उतना जोर, उससे कहीं ज्यादा जोर है वो दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए बीजेपी ने लगाया। तो निश्चित तौर पर एक कारण तो यही है कि जिस तरह से बीजेपी के मंत्रियों ने, बीजेपी के नेताओं ने कैंपेन किया है दिल्ली के अंदर, उससे स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता कभी भी इस तरह का धोखा है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकती। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है, लोगों का एक माहौल बन चुका था, लोगों का एक इस तरह से ट्रेंड बन चुका था कि डबल इंजन वाली सरकार होगी तभी दिल्ली का विकास होगा। तीसरा ये कि शाहीन बाग मुद्दे को लेकर के जिस तरह से जो लोगों में रोष व्याप्त था, लोगों में जो शाहीन बाग मुद्दे को लेकर के जो खिलाफत मौजूद थी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के प्रति, उसका फायदा भी पूरा पूरा बीजेपी को
मिलना चाहिए था। इसके अलावा जिस तरह से जो अनधिकृत कॉलोनियां थी उनको अधिकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और काफी सारी कॉलोनियों में जो लोगों को पट्टे बांटे गए, इनको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है वो दिल्ली में बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगले कारण की तरफ बढ़े तो आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन योजनाओं को दिल्ली में लागू करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करना और साथ ही जो बिजली पानी पर जो सब्सिडी दी जा रही है दिल्ली की जनता को उसको आगे भी जारी रखने का वादा करना, ये भी कहीं ना कहीं मुख्य कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है वो बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में फ्री स्कूटी और फ्री जो साइकिल देने का वादा किया और 2 रुपए किलो आटा देने का वादा किया, इससे भी कहीं ना कहीं वो गरीब जनता को लुभाने का काम किया है बीजेपी ने और इससे भी बीजेपी का वोट शेयर है वो बढ़ना चाहिए। और अगला जो सबसे मुख्य कारण वो यही था कि राष्ट्रहित के लिए, देश के हित के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है, देश हित के लिए हमें अपना वोट करना है, मतदान करना है, इस तरह की सोच भी एक मुख्य कारण था जिसने बीजेपी की जो बीजेपी का वोट शेयर है वो बढ़ाने का काम है वो किया है। इससे भी बीजेपी का वोट शेयर है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा और वही जो 34 से 35% वोट शेयर जो पहले था बीजेपी का वो भी अभी 34 से 35% वोट शेयर है वो इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने का काम एग्जिट पोल ने किया है, लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें हैं वो सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर क्या रहा है इसके समीकरण लोधी सट्टा बाजार ने अपने जो ग्राहक हैं, अपने जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा जो जारी किए हैं, उनके द्वारा सर्वे करके इस तरह से एक आंकड़ा है वो तैयार किया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि दिल्ली के हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, हर गली के अंदर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारी हैं वो मौजूद रहते हैं। कोई ना कोई हर मोहल्ले और गली के अंदर कोई व्यापारी या फिर जो इनका ग्राहक है वो मौजूद रहता है, जिनसे वो पूरे अच्छे तरीके से अपनी सर्वे है वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि मतदान से ठीक एक दिन पूर्व जो दिल्ली का एक व्यापारी वर्ग है उस कैट, जिसका नाम है कैट, उसको लेकर के जो बीजेपी के समर्थन में वो आ गए थे क्योंकि सीलिंग की समस्या से वो परेशान थे और अब उन्हें लग रहा है कि बीजेपी ही इस सीलिंग की समस्या को समाधान है वो कर सकती है। और उन व्यापारियों का दावा है कि 30 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में हमारे अंडर में काम करते हैं, यानी वो व्यापारी कम से कम 30 लाख लोगों को निश्चित तौर पर काम है वो सौंप रहे हैं फिलहाल। तो इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी का चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव सरकार ना बना सके ऐसा कोई महत्व नहीं है, इन बातों का, एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और ऊपर से प्रोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे आंकड़े दिए हैं उनको देख करके तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के होश ही उड़ गए हैं, अरविंद केजरीवाल की नींद है वो हराम हो गई है। आम आदमी पार्टी के चेहरों पर मायूसी भी कहीं ना कहीं संकेत तो कर ही रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर इस बार सरकार है वो नहीं बना रही है। फिलहाल राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के द्वारा दिए गए आंकड़ों की सर्वे रिपोर्ट जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार 45 से 48 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल रहा है और 22 से 25 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में डाल रहा है और 0 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। यानी कि जिस पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है, मजबूत नजर आ रही है, वो सीटें निश्चित तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास भी जा सकती है, इसलिए 3 सीटों का अंतर यहाँ पर रखा गया है। और इन 3 सीटों को जो बीजेपी की तरफ से सर्वे की गई, उनकी तरफ से जो एग्जिट पोल तैयार किए गए हैं, उनके समीकरणों में ये तीनों की तीनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल
खाली हुई है। इस वजह से बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें यहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी के एग्जिट पोल की तरफ से दिए जा रहे हैं और कांग्रेस को इसमें 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये तो निश्चित है कि बीजेपी वहां पर मजबूत होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दो तरह एक तरह से माना जाए तो वोट शेयर है वो बंट चुका है। इस वजह से बीजेपी इन तीनों ही सीटों पर कामयाब या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में सिर्फ 14-15 हजार सैंपल का जो आंकड़ा है वो लिया गया है, हालांकि 1.5 करोड़ के लगभग आबादी दिल्ली की विधानसभा की है। तो आप खुद सोचिए कि 1.5 करोड़ लोगों के बारे में 15 हजार लोग कैसे बता सकते हैं कि वो कैसे मतदान करेंगे। इस कारण जो फलोदी सट्टा बाजार है उसके व्यापारी कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में मौजूद होते हैं। निश्चित तौर पर एक विधानसभा में हजारों की संख्या में इनके व्यापारी मौजूद होते हैं और उनसे जब पूछताछ करके उनसे पूरी सर्वे करके आंकड़ा जारी किया जाता है तो निश्चित तौर पर सट्टा बाजार का आंकड़ा है वो लगभग स्टीक बैठता है। और फलोदी सट्टा बाजार निश्चित तौर पर अपनी सर्वे आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो दिल्ली के अंदर बना रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है, इस तरह के आंकड़े फलोदी सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए हैं। फिलहाल आप हमें कॉमेंट बॉक्स में 2020 में दिल्ली किसकी होगी, किस कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।